circuit analysis. Subject code EL202 or unit 2, mesh and nodal analysis. Mesh and nodal analysis. पिछली क्लास में आपने मैश और नोडल एनालिसिस पढ़ा था, लेकिन कुछ आज मैं आपको विशेष कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स लेके बताऊंगा कि मैश मेथड अप्लाई करते टाइम या नोडल मेथड अप्लाई करते टाइम कुछ समस्याएं हैं, उनका निवारण कैसे करते हैं। तो एक टिपिकल एग्जांपल लेता हूं मैं पहले मैश मेथड के अंदर। और मैश मेथड के अंदर क्या होता है, जब आपके जो दो एडजेसेंट मैश है उसकी कॉमन ब्रांच के अंदर जब कोई करंट सोर्स आ जाता है, तो उस केस में उन दोनों मैश के अंदर केवीएल अप्लाई करने में कुछ समस्या हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, उन दोनों मैश को एक साथ कंसीडर करते हुए सुपर मैश कंसीडर करते हैं। उन दोनों मैश का क्या करते हैं, सुपर मैश कंसीडर करते हैं और सुपर मैश में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो देखिए सुपर मैश क्या होता है, सुपर मैश एक टिपिकल प्रॉब्लम आपको ये दी हुई है, जिसमें देखिए आप इसमें क्या करना है, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अंदर आपको करंट निकालनी है। अब इसको ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर 3 मैश है, 1, 2 और 3, और तीनों मैश को यदि अपन देखते हैं तो मैश नंबर 2 और 3 इसकी जो कॉमन ब्रांच है ये 3 ओम वाली, इसके अंदर एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का। तो अपन इंडिविजुअल जब केवीएल अप्लाई करेंगे मैश 2 के लिए और मैश 3 के लिए, तो इस ब्रांच की प्रॉब्लम आएगी। तो अपन कैसे करेंगे इसको, ये मैश नंबर 1 के लिए तो आपको केवीएल अप्लाई करना है, और मैश 2 और 3 को दोनों को कम्बाइंड यूज करते हुए इसको सुपर मैश मानते हुए केवीएल अप्लाई करना है। देखिए अपन कैसे करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट मैश कौन सी है, ए बी सी डी और ए है, ये फर्स्ट मैश है। वी हैव केवीएल अप्लाई करिए आप, इसमें देखिए अब 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं करंट इक्वेशन लिखता हूँ 10, और इसमें करंट कौन सी है, I1 - I2, और इस 5 ओम के प्लस 5 ओम इसके अंदर करंट कितनी है, देखिए I1 - I3 तो ये कितनी हो जाएगी, अब ये वोल्टेज सोर्स इक्वल टू 50, और इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ तो कितनी आ जाती है, 15I1 - 10I2 - 5I3 = 50, एक नंबर समीकरण ये बन जाता है। अब आपको क्या करना है, मैश नंबर 2 और 3 इसको कंबाइंड यूज करते हुए केवीएल लिखना है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड मैश, वी हैव, यहां पे देखिए आप, यहां क्या बन जाता है, सुपर मैश। तो सुपर मैश कौन सा है, सुपर मैश में आपको बताता हूं, देखिए बी ई एफ डी सी और बी, ये सुपर मैश बन जाता है। तो इसके लिए अपन केवीएल अप्लाई करते हैं, तो देखिए आप इसके लिए क्या करूं मैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 2 × I2, इसके अंदर कौन सी करंट फ्लो हो रही है, केवल I3 + I3, फिर अपन यूं चलते हैं तो +5, इसमें कौन सी, I3 की डायरेक्शन में चल रहा हूं तो I3, और इसमें करंट कौन सी अपोजिट है, -I1, और ये +10 I3
सॉरी आई टू की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आई टू माइनस आई वन, और इसका एल्जेब्रिक सम क्या कर लेता हूँ मैं, जीरो, और इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ तो क्या आ जाती है, माइनस 15 I1 प्लस 12 I2 प्लस 6 I3 इजिकल टू जीरो। ये आ गया समीकरण नंबर दो। अब आपके पास वेरिएबल कितने हैं, I1 I2 और I3, लेकिन अपने पास इक्वेशंस कितनी है, केवल दो हैं। अब तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, तो तीसरी इक्वेशन क्या आएगी आपके, देखिए ये जो मैश नंबर वन है, सॉरी मैश नंबर टू और मैश नंबर थ्री, इन दोनों मैश करंट को यदि मैं, इसकी कॉमन ब्रांच कौन सी है, ये वाली 3 ओम वाली, तो इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर किसकी डायरेक्शन में, I2 की डायरेक्शन में, तो I2 और I3 का यदि मैं डिफरेंस निकालता हूं तो करंट कितनी आ जाती है, 2 एम्पियर। तो तीसरी इक्वेशन अपन यहां से लिखेंगे, तो द करंट सोर्स, द करंट सोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू एंड थ्री मैस करंट्स, मतलब क्या हुआ, I2 माइनस I3 दिस विल बी इक्वल टू 2। ये आपके आगे समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरण को सॉल्व करके अपन क्या निकाल सकते हैं, I1 I2 और I3। सो बाय सॉल्विंग, अब देखिए मैं बाय सॉल्विंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 वी गेट I1 विल बी इक्वल टू 19.99 एम्पियर, I2 विल बी इक्वल टू 17.33 एम्पियर एंड I3 विल बी इक्वल टू 15.33 एम्पियर। अब आपको करंट क्या निकालनी है, द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, द करंट इन 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रेजिस्टर कहां लग रहा है, देखिए यहां पे है, तो इसमें करंट कौन सी होगी, I1 माइनस I3। तो कैसे निकालेंगे अपन, करंट इन 5 ओम रेजिस्टर दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस I3, और I1 कितनी है, देखिए आप I1 कितनी थी, 19.99 माइनस I3 कितनी है, 15.33। तो ये करंट आपके पास कितनी आ जाएगी, है 4.66 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करंट इन 5 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल टू 4.66 एम्पियर। तो आपको क्या समझ में आया, जब दो एडजेसेंट मैच थे उसकी जो कॉमन ब्रांच है उसके अंदर जब करंट सोर्स आ जाता है, तो उन दोनों मैच के लिए इंडिविजुअल आपको KVL अप्लाई नहीं करके उन दोनों को कंबाइन करते हुए एक सुपर मैच बनाना है, और उन सुपर मैच के लिए आपको, उस सुपर मैच के लिए आपको KVL अप्लाई करते हुए मैच करंट इक्वेशंस लिखनी है। तो इस प्रकार से अपन कोई टिपिकल प्रॉब्लम इस टाइप से आ जाती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सुपर मैश बनाते हुए अपन सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सुपर नोड कैसे बनता है, नोडल एनालिसिस में कैसे समस्या आती है और सुपर नोड कैसे बनता है।
अब नोडल एनालिसिस में किस प्रकार से समस्या आती है या एक टिपिकल प्रॉब्लम लेके अपन समझते हैं। नोडल एनालिसिस की जब प्रॉब्लम करते हैं तो किन्हीं दो नोड के बीच में जब आपका वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो उस केस में उन दोनों नोड के लिए इंडिविजुअल आपको केसीएल नहीं लिखना होता है, दोनों नोड को एक मानते हुए, दोनों नोड को कंबाइन करते हुए, उसको सुपर नोड कंसीडर करते हुए दोनों नोड के लिए एक ही इक्वेशन लिखनी है और वो क्या लिखना, उसके ऊपर केसीएल अप्लाई करना है। अब मैं एक आपको एक टिपिकल एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि किस टाइप से सुपर नोड वाली समस्या को सरल करेंगे। एग्जांपल में ये फिगर बना हुआ है, इसमें आप देखिए इसमें अपने को क्या पूछा गया, क्वेश्चन में क्या है, 5 ओम का जो रजिस्टर है इस 5 ओम के रजिस्टर में आपको करंट निकालनी है। इसको आप क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिए हुए देखिए, आप 3 नोड है V1 V2 और V3 और ये एक रेफरेंस नोड माना हुआ है इसमें। अब इसको इसका इंस्पेक्शन करते हैं अपन, तो क्या हुआ, जो पास के जो नोड है, नोड V2 और V3, दो और तीसरा नोड है, इसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ गया है। जब ये वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो अपन क्या करेंगे, V2 और V3 के लिए इंडिविजुअल आपको KCL अप्लाई नहीं करना है। अब आपको V2 और V3 के लिए इन दोनों को एक मानते हुए तो उसको उस केस में अपन क्या कहेंगे, इसको सुपर नोड बना लेंगे और अपन KCL अप्लाई करते हुए वोल्टेज इक्वेशंस लिखेंगे। तो देखिए अपन पहले कैसे लिखते हैं, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अप्लाई KCL एट नोड 1, नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, देखिए आपके पास यहाँ तो ये करंट दी हुई है ना, इनवर्ड करंट है, इन दोनों के अंदर मैं आउटवर्ड करंट मान लेता हूँ, 3 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप V1/3 प्लस इसमें करंट कितनी हो जाएगी, V1 - V2/V2 और ये कितनी हो जाएगी, =10। और इसको मैं वापस रीअरेंज कर लेता हूँ, तो रीअरेंज करने से क्या आ जाएगी अपने पास, V1 1/3 + 1/2 - V2/2 = 10। और इसको मैं थोड़ा सा सरल करके लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0.83 V1 - 0.5 V2, दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी V2 - ये 10 को मैं इधर दे देता हूँ, -10, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये क्या है, 0.83 V1 - 0.5 V2 - 10, दिस विल बी इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1 बन जाता है। अब अपन क्या करेंगे, ये मैश नंबर सॉरी ये नोड नंबर 2 और 3 के लिए कंबाइन करेंगे, तो अप्लाई KCL एट नोड 2 and 3, द सुपर नोड, ये क्या कहलाएगी, सुपर नोड इक्वेशन कहलाएगी, सुपर नोड इक्वेशन इज किस टाइप से होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जैसे ये सारी करंट है, मैं क्या कर देता हूँ, सारी करंट को अपन एक ही टाइप के, एक ही डायरेक्शन में मान लेता हूँ मैं, तो ये जो सारी करंट है, जैसे इसको मैं करंट इस डायरेक्शन में लिविंग करंट मान लेता हूँ, इसको भी लिविंग करंट, इसको भी लिविंग करंट, इसको भी लिविंग करंट मानते हुए KCL अप्लाई करता हूँ, तो अब आप ध्यान से देखिए इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी, V2 - V1/2 + इसमें करंट कितनी हो जाएगी, V2/1, इसमें करंट कितनी हो जाएगी, V3 - 10/5 और इसमें करंट कितनी हो जाएगी,
V3 बाई 2, और इनका एल्जेब्रिक सम क्या कर लेता हूँ मैं, 0, और इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो रीअरेंज करने से क्या आ जाएगा, माइनस V1 अपॉन 2 प्लस V2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस V3 इंटू 1/5 प्लस 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 0, और इसको यदि मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.5 V1 प्लस 1.5 V2 प्लस 0.7 V3 माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू 0. सॉरी, अपन ने यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं लिया था, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म देखिए, माइनस 10/5 तो यहाँ माइनस 2 आएगा, तो अपन ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस, ये सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये 2 को मैंने इधर दे दिया, तो ये इक्वेशन बन जाती है ये वाली, तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया. अब समीकरण नंबर, अब आपके पास वेरिएबल कितने हैं, V1 V2 और V3. अब तीसरा समीकरण कैसे आएगा, तो देखिए आप, ये जो है ना, इसका डिफरेंस कितना है, ये जो नोड वोल्टेज V2, जो नोड वोल्टेज 2 और 3, इनके बीच में क्या वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो द वोल्टेज बिटवीन नोड एंड 2, द वोल्टेज बिटवीन नोड 2 एंड 3 इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा ये, V2 माइनस V3, दिस विल बी इक्वल टू 20, तो ये आपका समीकरण नंबर 3 बन जाता है. तो अब आपके पास 3 इक्वेशन आ दी, 3 वेरिएबल है, अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, तो अपन बाय सॉल्विंग वी हैव, अब आपको निकालनी करंट किसमें, केवल 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है, तो केवल V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V3 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, माइनस 8.42 वोल्ट, V3 कितना आ जाएगा, माइनस 8.42 वोल्ट. अब आपको करंट इन 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है, तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी, V3 माइनस 10/5, तो V3 कितना आएगा, -8.42 -10/5, तो ये करंट कितनी आ जाएगी, करंट 5 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये करंट कितनी आ जाएगी, -3.68 एम्पियर. तो आपके पास करंट कितनी आ गई, -3.68 एम्पियर. अब अपन ने करंट क्या ली थी, इसके अंदर 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट क्या ली थी, लीविंग ली थी आउटवर्ड फ्रॉम दी नोड 3, लेकिन एक्चुअल करंट क्या आ रही है, -3.68 एम्पियर. इसका मतलब इसमें जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रही है टूवर्ड्स नोड 3 करंट फ्लो हो रही है, इस टाइप से करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में अपवर्ड. तो इस प्रकार से अपन सुपर नोड से किस प्रकार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो जब कोई दो एडजेसेंट नोड है उसके बीच में जब वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो समस्या थोड़ी टिपिकल हो जाती है, तो उस केस में उन दोनों नोड को अपन एक साथ कंसीडर करते हुए सुपर नोड मानते हुए दोनों की एक साथ KCL अप्लाई करते हुए इक्वेशन लिखेंगे. अब आगे की यूनिट में मैं आपको नेटवर्क थ्योरम के बारे में समझाऊंगा, आज इतना ही, थैंक्स.